अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले जो बाइडेन ने भावुक अंदाज में वॉशिंगटन की उड़ान भरी। 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पदभार संभालेंगे। अपने गृह नगर विलमिंगटन डेलावेयर से वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरने से पहले एक विदाई समारोह में जो बाइडेन बेहद भावुक नजर आए। उनके गालों पर आंसू टपकते नजर आए, जहां उन्होंने अपने दिवंगत पुत्र और उभरते राजनीतिज्ञ बीओ को श्रद्धांजलि दी। 78 वर्षीय जो बाइडेन ने कहा, मेरी भावनाओं को माफ कीजिए, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे दिल पर डेलावेयर लिखा होगा। मुझे सिर्फ एक पछतावा रह जाएगा कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो मुझे राष्ट्रपति के रूप में देखना और परिचय कराना चाहता था। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170